वायलेंट एंड वायलेंट पर्सन, ये वायलेंट है ये नॉन वायलेंट। अट्रॉफी देखिए, साइज देखिए ब्रेन का, वाइटनेस देखिए, उधर डिस्ट्रक्शन देखिए। क्रिएटिव एंड डिफेंसिव ब्रेन, ये डिफेंसिव का हाल है, ये क्रिएटिव का हाल है। अगर डिफेंसिव ब्रेन है तो कौन सा ब्रेन ग्रो करेगा? नीचे का, तो आगे का, आगे का यही हाल होगा। जो क्रिएटिव ब्रेन है उनका ये सही रहेगा, आगे का बड़ा होगा। ठीक है, चलो और आगे। व्हाट डज मीन ऑफ अनडिवाइडेड अटेंशन? डिवाइडेड है तो हम वो हो रहे हैं, अनडिवाइडेड है तो क्या हुआ? होलनेस, होलनेस, अ स्टेट ऑफ प्ले जैसे मैंने बताया, अ स्टेट ऑफ जॉय, अ स्टेट ऑफ पीस, आनंद, आनंद पाया मेरी माय, आनंद, अ स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी। एक क्वेश्चन आता है यहां से मेरे जहन में कि अगर बच्चे खेल रहे हैं, अगर जानवर खेल रहे हैं तो क्या वो इवॉल्व्ड है? इवॉल्व्ड है? जानवर बोलता है तू ही तू ही तू ही, क्या उसको सेंस है? ये अवेयरनेस नहीं है भाई उसमें। तो ये फिनोमिना हमें कैसे लेके आया? पहले हम उससे जुदा हुए, फिर नीचे लेके गया, फिर हमें नीचे से फिर इवॉल्व होना, ऐसा कुछ है ये। अवेयरनेस के साथ मूव करना और बात है, और वहां बैठ के रिटर्न करना और बात है, दोनों में फर्क है। माला फेरना और बात है, और साधु हो जाना और बात, ऐसे। तो ये दीज ऑल आर हायर ब्रेन इमोशंस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशंस। What is my soul's purpose? Soul's purpose. Okay. The easy answer is to love unconditionally. ये था हमारा सही purpose यहाँ का, यही होना चाहिए। The energy that we call love is what the world of spirit is made of. जो spirit जहाँ से हम आए वहाँ पे सिर्फ love है। It is natural rhythm of the universe. If every soul was evolved to point where we are loved unconditionally, we would have heaven on earth. ये दुनिया स्वर्ग हो जाए जब ये बात बन जाए। हर किसी की बेसिक नीड क्या है? मेरे को कोई प्यार से बोल, मेरे को कोई शाबाश दे, कह दे। लेकिन सभी डिल्यूजन अनएप्रिशिएटेड में ही है। सभी की नीड है ये बेसिक नीड है हर सोल की, लव, लेकिन नॉट कंडीशनल लव। अगर तू पढ़ेगा तो तेरे को ये मिलेगा, ये नहीं, अनकंडीशनल। तू जैसा भी है, जैसा भी है, आई लव, ऐसा। तो यहां पे ये वो स्टेट है यहां पे आपको पुण्य और पापी में डिफरेंस नहीं दिखता। सिद्धार्थ को मींस बुद्ध को नहीं दिखता, गुरु नानक को नहीं दिखता, सज्जन ठग को वो गालियां नहीं निकाल रहे, किसी भी प्योर सोल को नहीं दिखता। वो क्या कर रहे हैं? दे आर पुटिंग देयर एनर्जी टू चेंज देम, टू इवॉल्व देम, टू राइज देयर लेवल। यार ये नहीं, ये नहीं, जीवन ये है, ये बता रहे हैं। और जीवन ये है जो हैनीमन कह रहे हैं, जीवन ये है यहां पे हम समझ के आज जाना चाहते हैं। If every soul was evolved to point where we are loved unconditionally, we would have heaven on earth. But we are long away from that, are not we? Ego, pride, judgment, manifestation, themselves in racism, nationalism, sexism and homophobia. बंदे से बंदे को डर, सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे से ही डर लगता है। Us versus them is a much more confrontable notion for us than we are all the same. We are all the same, higher level, we are all different. Ye hamari hal. Next. But we had
फाइल्ड एंड वाइड, ये था, हमने क्या किया, उसी चीज को और रिफाइन कर रहा हूं मैं, वो हैड फाइल्ड एंड वाइड द डिफेंसिव ब्रेन ओनली, हमने इस ब्रेन को ही बड़ा किया पीछे वाले को, विद हार्ड वायर, विद हार्ड वायर्ड, विद हार्ड वायर्ड वायरिंग, समझते, कॉइल्स होती है ना बार बार डाल के मोटर की वाइंडिंग करते हैं, विद हार्ड वायर्ड डिफेंस ब्रेन वी आर डी एवोल्यूटेड टू एनिमल अगेन, हम इंसान होते होते भी वापस वहीं चले गए, हाउ टू फाइंड द वे टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगेन, एग्जाम्पल गिवन, इंक्रीज द कनेक्शंस विद द हायर ब्रेन, कैसे ही हमारे रीबिल्ड हो जाए, रीबिल्ड हो जाए, पहले तो हमें जरूरत मालूम होगी, पहले हमें मालूम होगा कि हम है कहां, फिर जरूरत मालूम होगी, फिर हम आगे चलेंगे करना क्या, नेक्स्ट आवर जर्नी इज अ डिफेंस फ्रॉम अनसेफ इनसिक्योर फीलिंग टू होलनेस, इनसिक्योर फीलिंग फियर लोअर ब्रेन टू होलनेस, कोई डर नहीं, डर से निडर की ओर, ये जर्नी है हमारी, फ्रॉम सैड डिप्रेस्ड फीलिंग टू प्ले ऑफ द लाइफ, यहां से हमने आगे जाना है, हमारी ये हालत हो गई, ये थे और हम ये हो गए, फिक्र के लिए, नेक्स्ट, हम ये थे बुद्धा जैसे थे सब लोग, नेक्स्ट, ये स्केल है, लेट अस सी अवर जर्नी, हम कहां पे, देखना जरा हम कहां पे, जॉय नॉलेज एम्पावरमेंट फ्रीडम लव एप्रिशिएशन, बुद्धा जैसी स्टेट, राइट, हायर ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इमोशंस, उससे नीचे पैशन, उससे नीचे एंथ्यूजम, ईगरनेस, हैप्पीनेस, खुश है, आनंदित नहीं है, खुश है, उससे नीचे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, हम पॉजिटिव हैं, उससे नीचे ऑप्टिमिज्म, हम कैसे खिसक रहे नीचे, देखिए जरा, होपफुलनेस, कंटेंटमेंट, बोर्डम, पैसिमिज्म, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंस, आई थिंक नाउ आवर वर्ल्ड इज हियर, आमतौर पर हम यहां पे हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंस, उससे नीचे ओवरवेलमेंट, अकॉर्डिंग टू हैमर, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली में किया था, हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस आर अफेक्टिंग अस फ्रॉम ओवरवेलम्ड फीलिंग, ओवरवेलम, हमारे ऊपर हमारा इमोशन चढ़ गया, हम उस इमोशन में बह गए, इमोशन में बह जाना स्टेबल स्टेट नहीं है, माइंड इट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ओवरवेलमेंट, नेक्स्ट, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्गस्ट, पूरी रेपर्टरी है, देखिए, डाउट, वरी, ब्लेम, डिस्करेजमेंट, एंगर, एंगर, नेक्स्ट, रिवेंज, अभी ये पूरे का पूरा एनिमल आ रहा है, नीचे ऊपर बुद्धा थे, अब नीचे हम एनिमल, रिवेंज, हेटेड, रेज, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस, फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेसनेस, ये एक स्केल है, आप अपने आप को ढूंढिए, आप किधर है, किस स्केल में है? हमारी दुनिया के कहां पे रुकी हुई है, और हमें हमारी जर्नी कहां पे जानी है, हमारा पेशेंट किधर है, इसमें से हमारा पेशेंट किधर है, और इसको हमने कहां पे लेके जाना है, कि जब ये पूरा कंप्लीट, जो हमारा मिशन तब सॉल्व होता है जब हम इसको पूरी जर्नी में डाल दें, उसके उसको तंदुरुस्त करके फिजिकली, और उसको जर्नी पता चल जाए कि दिस इज माई, I have to go into this direction. Recently, from last few months, I was able to understand that each and every emotion is springing from fear only. कैसे मैं बताता हूँ आपको? So then I found this scale and find, अरे fear ही तो सबके base पे पड़ा है. Fear ही सबके base पे पड़ा. कैसे?
एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो जितनी भी आ गई। होलनेस से निकले, अब मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं वर्ड्स को, हम अपने स्पिरिट से जुदा हुए, सोल हुए, सोल से बॉडी हुए, बॉडी से सोल और बॉडी ब्रीच में आई, अलग हुए, फिजिकल अलग चलने लगा, आत्मा अलग चलने लगी, डिफेंसिव ब्रेन में आ गया, ठीक है। जब हम जुदा हुए, जब कोई चीज जुदा होगी, डाउन सिंड्रोम, जुदा हुए, ट्रिपल एक्स क्यों होता है, क्यों जुड़ा रहता है, ऐसे कुछ आंसर उसका भी। जब हम जुदा हुए तो हम सिक्योर हुए कि इनसिक्योर हुए, इनसिक्योर हुए, इनसिक्योर हुए तो खुश हुए या डरे, बेसिक इमोशन डर, डर में से फिर क्या दौड़ बनी, ऐसा कुछ करूं कि डरू ना, ऐसा कुछ हो कि डरू ना, क्या करूं ऐसा कि डरू ना, कैल्केरिया का कुछ मैटर इकट्ठा करूं, कुछ पैसा हो, कुछ रिश्ते हो, कुछ फैमिली हो, डर ना लगे, इकट्ठा किया जीवन में, अर्जेंट नेट, हरीडनेस में, हरीडनेस में हम, मैं बाहर निकाल रहा हूं एंगर से इमोशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सॉरी फियर से इमोशंस को, अर्जेंट नेट, हरीड है, भागा फिर रहा है जिंदगी में, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, क्यों, डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड, क्या क्या क्यों नेग्लेक्टेड, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, क्यों नहीं देख रहा, मेरे को किसी का सहारा ही नहीं है, मैं तो अकेला ही हूं, मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, व्हाट इज दिस एंटिसिपेशन, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं लेट हो गया तो ऐसा ना हो जाए, हरीडनेस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फियर, कहीं लेट हो गया तो ऐसा ना हो जाए, अगर लेट हो गया तो बॉस बोलेगा, फलाना बोलेगा, ढमकाना बोलेगा, पीछे क्या आ रहा है, क्यों बता रहा हूं ये, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, दिस इज बेसिक सोरा फ्रॉम वेयर दिस सिस्टम गॉट अ पंच एंड स्टार्ट डेवलपिंग सोरा, यहां पे जाना हमें, ठीक है। हर केस में इनसिक्योरिटी कैसे कैसे आगे बढ़ के और जिंदगी में हमें डिस्टर्ब कर रही है, एंगर, एंगर कैसे बनेगा, हरीड है, डरे हुए हैं, हरीड है, लेट ना हो जाए, तूने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे को तो ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था, अगर सेफ होता तो ये नहीं होता, अगेन अनसेफ, अगेन फियर, तो ऑल द इमोशंस बेसिकली रूटेड फ्रॉम फियर, मैं देख रहा हूं किसी ना किसी रूप में। और एग्जांपल लेते हैं, सेंसिटिव टू रेप्रिमेंड है, रेप्रिमेंड, कोई मेरे को ऐसा ना बोल दे कि तूने ये क्या किया, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू कुछ भी पकड़ लीजिए आप, रूडनेस, सेंसिटिव टू रूडनेस, पिताजी ने गढ़ के बोला, ओ तू ये क्या किया, ये क्या, ये क्या, ये भी डर है, तो बेसिकली चाहे ऊपर रूटेड कोई भी हो, इंडिग्नेशन, ह्यूमिलेशन, ये रिएक्ट कैसे करें, दो दे आर गिविंग अस डिफरेंट फीलिंग, बट बेसिकली वी डेवलप द फियर बिहाइंड कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कोई कहीं ऐसा ना हो, यही कहीं से हम नॉर्मल से निकल के डेल्यूसिव होते हैं, नॉर्मल से निकल के हमारी सेंसिटिविटी डेल्यूजन में पड़ जाती है। सो ये स्केल था, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, और हम कहाँ आ गए, नेक्स्ट हम यहाँ आ गए, हमारा होमपैथ भी कुछ ऐसे बैठा जिसको राइट नॉलेज नहीं है। कब आएगा, अगर आ गया तो दोबारा आके, एक मैं ब्यूटीफुल एग्जांपल बताता हूँ अपनी खुद की, एक बच्ची, उसको सीपी है, वन साइड एमेसिएटेड है, दो मेंटली शी इज वेरी एक्टिव, मेरे को बच्चों ने वीडियो नहीं रिकॉर्ड उसका किया, अगर कर लेते तो शायद कुछ सुनने में देखने में पता चलता, और उसका हार्ट बीट भी स्लो है, हार्ट ब्लॉक है साथ में, बोलते कि राइट बंडल ब्लॉक है, एक एवी नोड नहीं चल रही, बाकी चल रही है, हार्ट स्लो बीट कर रहा है, तो राइटली उसको लेके मैंने प्रिस्क्राइब किया,
बहुत वायलेंट, बहुत एक्टिव एंड बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत रिएक्टिव, बहुत चीयरफुल मकसूल। 10-15 दिन के बाद फादर का फोन आया कि इसकी बाजू में तो एक्टिविटी आ गया लेकिन उसका नींद कुछ कम हो गया। तो एज ए होमपैथ वी हैव टू वेट अंटिल मोर डिस्टर्ब सिम्टम्स आर नॉट देयर। तो आई वेटेड फॉर टू मोर डेज एंड आफ्टर 5-6 डेज मूवमेंट वॉज देयर, उसमें एक्टिविटी आ गया, कुछ चालू है। तो शी स्टार्ट क्राइंग लाइक, अगर बच्चे आए हुए क्लिनिक से तो वो बता सकते हैं आपको, डोंट स्टॉप क्राइंग। वो बोलते हैं, वो दोनों बीडीएस है, एक बीएमएस है, हस्बैंड बीडीएस है और जो वाइफ है वो बीएमएस है, ऐसा डॉक्टर है दोनों। उनको बात समझ में आई, भरोसा है, 1.5 महीना हो गया उसको करते। मैंने एनालाइज किया दोबारा से, कैप्रेशियस चिल्ड्रन इन, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन, गिवन कैमो मिला है राइटली जैसे हम सोचेंगे। देन नक्स वोमिका, बिट इम्प्रूवमेंट, देन अगेन सेम स्टेट, ये। तो जब वो बाहर आके ये शुरू होती थी ना तो मेरा दिल धड़कने लगता और फिर आगे ये फिर जान खाएगी मैं क्या करूँ इसका। तो बट दे हैव अ वेरी गुड फेथ ऑन अस। तो बोलते लास्ट पे बोलते, डॉक्टर साहब अब तो जो हमारे नेबर है वो भी कहने लगे, जहाँ तो आप पागल हैं, जहाँ ये बच्चा पागल है, तो आप इसका कुछ करो। डॉक्टर को अगर बोल रहे हैं गुआंडी तो आप देखिए कैसी हालत होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अब। और उनको समझ आया, करें तो करें क्या, सेडेटिव दें एलोपैथी की तरह, क्या दें उसको, पेन किलर दें, काम नहीं कर रहा। तो देन आई सर्च क्वाइट के नीचे मेरे को मिला, बहुत ब्यूटीफुल एंट्री, सर ने कभी बताया था वो फिर रिकॉल हुआ, रडारी खोल लो। क्वाइट कैन नॉट बी पीछे जाओ, क्वाइट कैन नॉट नीचे, हाँ या तीन कैन नॉट बी, खोलो उसको, क्वाइटेड कैन नॉट बी राइट। चुप ही नहीं कर रही है 24 आवर, यू कैन यू इमेजिन बच्चा रोएगा। पर मेरे को हमें मतलब एटलीस्ट आती है दवाइयां दिमाग में, लेकिन अनटिल और अनलेस वी हैव नॉट अ प्रॉपर एंट्री मैं दवाई नहीं देता। तो देन आई फाइंड कैमोमिला मैं दे चुका हूँ, आर्सेनिक ये है नहीं, सीना बचती है। देन मैंने नीचे देखा, कैरीड ओनली, क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरीड ओनली बाय बीइंग, क्वाइटेड कैरीड ओनली बाय बीइंग, दो गई आर्सेनिक कैमोमिला गई, कैरीड से आराम हो गया, आगे रैपिडली आर्सेनिक पैटिंग एंड केयरसिंग आर ऑफ नो यूज सीना। तो मैंने बोला आज शाम को चुप कर जाएगी ये, और वही हुआ। अभी मेरे ख्याल 2 महीने हो गए अब नहीं रोती है, नहीं तो वो जो ये जो मैंने दिखाया ना, ये हालत हो जाती है व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारी कोशिश ने बच्चे को हेल्प किया, देन अगेन वी फेल्ट वाओ, दिस इज अ पावर ऑफ, यू कैन से आप एक्सपीरियंस करते हैं इसको, ऐसी पावर को, सिंगल डोज की ये पावर, वो जो बच्चा उसकी ये हालत, शांत हो गया। तो मज़ा आ गया फिर वो कैंट साहब के वही वर्ड्स, यू जस्ट पे थैंक्स टू हनीमैन, थैंक्स टू ऑल दीज वाइज सोल्स, जिसकी वजह पे हमें, जिनकी वजह से हमें, तो हम डिप्रेशन से निकले, मैं ऐसे निकला इस रूब्रिक से, तो आपको ये काम आएगा। अभी रिसेंटली मैं उसका फॉलोअप देख के आया 5-7 दिन पहले, शी वॉज क्वाइट वेल, हेल्थ उसकी काफ़ी अच्छी हो गई, पहले सूख गई थी वो बिल्कुल, रिकवर कर गई काफ़ी अच्छी। बेसिकली लाइफ वॉज स्टार्टेड विद टू इमोशंस, मैंने बात किया अभी, फियर एंड एंगर,
every another emotion had rooted in either way from these two only. हम कहीं इसी में गिरते हैं. कैसे, मैं कैसे गिर रहा हूं, मैं कैसे डिफेंस में जा रहा हूं, देखो वो आ रही है मेरे को, मेरी धड़कन तेज हो रही है, कौन सा ब्रेन, ऑटोनोमस, अरे फिर आ गई है, क्या करूं इसका मैं, ये हाल क्या करूं इसका मैं. लेकिन वाइज माइंड वॉज वर्किंग अल्टरनेटिवली, दो नॉट सो स्ट्रांगली, पर मेहनत किया, निकाला, देन आई हेल्प, तो हम फिर वापस आ गए. तो ये आदान प्रदान आपका ये नहीं है कि आप क्रिएटिव हो जाएंगे तो लोअर ब्रेन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इज ऑल द थ्री, इवन यू कैन से फोर ब्रेन आर, लोअर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, राइट, लेफ्ट. जो हमारा एवोल्यूशन ऐसे जा रहा है, लोअर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, राइट, देन लेफ्ट, देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऐसे राइट टू लेफ्ट एंड देन प्रीफ्रंटल. ये एवोल्यूशन बता रही है, मैंने ऐसे बोला, ये हाइपोथेसिस नहीं है. तो ऐसे हम ऊपर के ब्रेन से लोअर ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं. अरे नहीं भाई डर मत, अरे नहीं भाई ऐसे सोच, अरे नहीं भाई ये कर, अरे नहीं भाई वो कर. दिस इज रूलिंग योर लोअर ब्रेन बाय योर हाई ब्रेन, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस. यही कनेक्शन हमने बहाल करना है, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस. ये सबकॉन्शियस है जो डर रहा कि फिर आ गई, तो ये फिर आ गई की स्टेट हमारी पूरी पूरे जिंदगी बनी रहती है. नेक्स्ट, वट फर्स्ट वी हैव टू डू, फीलिंग द नीड टू केम आउट फ्रॉम दिस डेस्परेट लाइफ, अंटिल और अनलेस वी डू नॉट फील नीड टू करेक्ट इट. पहले तो मालूम ही नहीं है, अगर मालूम पड़ा तो तभी आगे चलेंगे, अब मालूम पड़ा तो आगे चलते हैं. वी डज नॉट स्टार्ट द प्रोसेस लाइक अंटिल वी डज नॉट मार्क द डिजीज इन इंडिविजुअल. वट इज टू बी क्यूरेटिव, वी कुड नॉट मेक ए डेफिनेट क्योर. एफोरिज्म नंबर थ्री पढ़ना जाके. नेक्स्ट, एज ग्रेट हैनीमेंस, ये गड़बड़ है, ग्रेट हैनीमेंस, ये ऑटोक्रेट से गड़बड़ होती है, कभी ध्यान नहीं देते. ब्लेसिंग टू अस, एट लीस्ट नाउ वी हैड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर स्पिरिचुअल बीइंग एंड स्पिरिचुअली गेटिंग डिजीज्ड. एफोरिज्म नंबर 10 एंड 11 एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ऑर्गेनन गिव्स मी एनर्जी लाइक एनीथिंग. एफोरिज्म नंबर 10, तो ये बता रही है हमें कि हम एज ए होमपैथ हम जानते हैं कि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम स्पिरिचुअली रूल्ड हैं. द मटेरियल ऑर्गेनिज्म मैटर विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन. विदाउट द वाइटल फोर्स, विदाउट दिस स्पिरिट, विदाउट दिस डायनामिक्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन. इट ड्राइव्स ऑल सेंसेशन एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ लाइफ सोलली बाय मींस ऑफ द इमटेरियल बीइंग विच एनिमेट द वाइटल ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एंड इन द डिजीज. शुरू में पढ़ते ऊपर से गुजर जाता है, दूसरी बार पढ़ते थोड़ा सा मिलता है, बार बार पढ़ते तो कुछ और मिलता है. अभी मैंने इस बार जब आना था दोबारा पढ़ा, कुछ और मिला. तो ये ऑर्गेनन की खूबसूरती है, इट ड्राइव्स ऑल सेंसेशन एंड परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ. मींस स्पिरिचुअल बीइंग वाइटल फोर्स हमें रूल कर रही है, सारे फंक्शन हमारी लाइफ के चल रहे हैं सोली बाय मींस ऑफ इमटेरियल बीइंग. ये वर्ड मेरे को इस बार मिला, सोली बाय, वी आर रूल्ड बाय इमटेरियल बीइंग. हमारे अंदर वो ताकत लगातार हमें रूल कर रही है, चाहे हमारे साइन एंड सिम्टम हमारी बॉडी फिजिकली क्यों नहीं है, वो ताकत हमारे अंदर लगातार निरंतर चल रही है.